अच्छा लग रहा है जी कि इंडिया का स्पोर्ट का सबसे बड़ा अवार्ड है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। खेल रत्न पा के प्लानिंग तो काफ़ी पहले से शुरू हो चुका है, कैंप हमारा स्टार्ट हो गया था तो ट्रेनिंग भी शुरू कर दी है धीरे धीरे। बस अभी ये फंक्शन था कुछ थोड़ा बहुत और बीच में रहेंगे, फिर उसके बाद पूरा अपना ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी और फिर अपना अगले साल के लिए जो वर्ल्ड चैंपियनशिप कॉमनवेल्थ गेम्स एशियन गेम्स हैं उनके लिए पूरा प्रिपेयर करेंगे। पेरिस ओलंपिक पे बस अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे जी, और कोई किसी मेडल का या गोल्ड का कोई प्रेशर नहीं है, बस अपना मन लगा के खेलेंगे, बस रिजल्ट उसी दिन देखेंगे क्या रहेगा। बहुत अच्छा फील हो रहा है, मेरे लिए सरप्राइज के जैसे है क्योंकि मैंने इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं था मेरे इसके लिए, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने अर्जुन अवार्ड जीता था और इस ईयर खेल रत्न मिल रहा है तो बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि खेल रत्न सबका एक सपना होता है स्पोर्ट्समैन का, जो कि स्पोर्ट का सबसे बड़ा अवार्ड्स होता है, तो जो मेरा है सपना है उस सपने को मैं जी रही हूँ तो मैं बहुत बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। अभी नेक्स्ट मेरा वर्ल्ड चैंपियनशिप आ रहा है तो वर्ल्ड चैंपियनशिप की तैयारी करना है। मेरा मेन एम तो ओलंपिक में गोल्ड जीतना है, जो कि मेरा सपना है, अभी पूरा नहीं हो पाया इस ओलंपिक में। काफ़ी अच्छा फील हो रहा है, स्पोर्ट्स का सबसे बड़ा अवार्ड और जिस अवार्ड से मेरे को नवाजा गया भारत सरकार ने, मैं भारत सरकार का धन्यवाद करता हूँ उस चीज़ के लिए कि उन्होंने मेरे को इस काबिल समझा और इस अवार्ड से नवाजा गया। सफ़र काफ़ी लंबा था, शुरुआत तो बचपन से ही हो गई थी जब मैं रेसलिंग करता था, उसके बाद एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद फिर सोसाइटी से भी लड़े थोड़े बहुत, जैसे जो बुलिंग होती है उससे भी थोड़ा बहुत, और थोड़ा बहुत पेन भी काफ़ी सहन करना पड़ा। उसके बाद पैरा गेम्स के बारे में जाना कि पैरा गेम्स भी होते हैं, काफ़ी लंबा था सफ़र और संघर्ष भरा भी काफ़ी। भी मेरे पास पैरालंपिक गोल्ड मेडल है विद वर्ल्ड रिकॉर्ड, इससे ऊपर तो कुछ होता नहीं है पैरा गेम्स में। मैं कोशिश करूँगा कि इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को मैं जितना अपनी लाइफ में बढ़ा सकूँ, मैं उसी के लिए ट्रेनिंग कर रहा हूँ अभी। बहुत अच्छा लग रहा है और मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो मेरे को जो खेल रहा सबसे बड़ा अवार्ड दिया इसके लिए मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आगे जी देखो जो टूर्नामेंट है अगले साल, वैसे तो बहुत सारे टूर्नामेंट है कुछ खेलते रहेंगे, पर जो मेन टूर्नामेंट जिसे फोकस होगा वो एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे अगले साल। पहले हम खिलाड़ियों को देख देख के हम मोटिवेट है खुद, जब हमसे कोई मोटिवेट होगा तो इससे अच्छी कोई मैं बात नहीं मानता, और बहुत अच्छा लग रहा है। थिंक काफ़ी अच्छा फील हो रहा है, इट इज़ अ रिकग्निशन फॉर वुमेन्स क्रिकेट, और आई एम श्योर कि इससे आई एम मोर मोटिवेटेड कि अगले साल जो वनडे वर्ल्ड कप है 2022 में न्यूजीलैंड में, बी मोर मोटिवेटेड टू डू माई बेस्ट। बहुत गर्व की बात है भाई, खेल रत्न मिल रहा है वो भी स्पेशली हॉकी में, क्योंकि आपको पता है कि केरला में हॉकी इतना फेमस नहीं है, बट ये ओलंपिक्स के बाद बदलाव होने लग गया, एंड बीइंग फ्रॉम केरला मेरे को ये रिसीव करते हुए बहुत गर्व की बात है, क्योंकि बहुत सारे बेस्ट एथलीट इंडिया में वो लोगों को मिल रहे, वो लोगों के साथ मेरा नाम दिया गया, बहुत गर्व की बात है। ये एक शुरुआत है, आपको पता है कि पिछले टाइम हम लोग पुराना टाइम पे भी अपना ग्रैंड पेरेंट्स के टाइम या दादा ध्यानचंद के टाइम से हम लोगों ने बहुत ज़्यादा मेडल्स जीत चुका था, और उसके बाद हम लोग को एक बड़ा लंबा ब्रेक मिला है, और अभी एक दोबारा एक रेवोल्यूशन शुरू हो गया, हम लोग एक मेडल के साथ शुरुआत किया इस बार ओलंपिक, तो आगे वाले बच्चे लोगों को भी यही उम्मीद रहेगा कि हाँ यार हम भी हॉकी खेलेगा तो हम भी हॉकी में ओलंपिक जा सकते हैं और मेडल जीत सकते हैं।